अब मैं हरियाणा का हूँ यार, क्या बात कर रहे हो तुम? तो बोल रहे सामने सुना आपने। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है। हरियाणा का, रोहतक का, सोनीपत का, भादरगढ़ का, गुड़गांव का, कहीं का किसान नहीं आया। मनोहर लाल खट्टर क्या सुन रहा है? मनोहर खट्टर से ये लोगों के पास जब जवाब नहीं होता ना तो कह देते गोदी मीडिया, जवाब नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जवाब नहीं है, बीजेपी ऐसी जवाब, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं तर की बात करता हूँ, दिखाऊँ। पुलिस वालों को ट्रॉली के नीचे कुचल दिया, उनको प्रसाद खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे कि कुचलो, जूते पड़ने चाहिए और देश को बर्बाद करने के चक्कर में आ रहा है। कौन किसान है? कहा है पूरा भारत का किसान? कहा है उद्योगपतियों को 13 लाख करोड़ माफ कर दिया, अपने मुंह पे जूते खाऊंगा सब पब्लिक से, 1 लाख करोड़ भी माफ हो गया हो तो बात क्या करते। मेरा केस है हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ, तारीख अगले महीने, सारा झूठ है। किसी टाइम में राहुल के बाप को वोट दी थी, ठीक है, राजीव गांधी को वोट दी थी, वो बना था कई सौ आए थे। उसके बाद जब हमने देखा कि इनने हर तरीके से मुसलमान मुसलमान करके हिंदुओं का जब अपमान करना शुरू करा, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, तो हिंदू संगठित हुआ है या फलाने के लिए क्या कर दिया? आप मजदूर लाख रुपए जेब में लेके मजदूर है, आप मजदूर क्यों कहते हो उसको? वो बिजनेसमैन है, उसने आपकी जमीन किराए पे ले ली। पता है नॉर्थ ईस्ट में क्या झगड़ा हुआ था पीछे? अभी मणिपुर जानते हो, मणिपुर में जो हिंदू बहुसंख्यक था उसको बोला केवल 10% जगह पे रहेगा, 90% जगह दे दी क्रिश्चियन को, ये हिंदू मुसलमान करा। कश्मीर में 370 का हिंदू मुसलमान करा। अब जाके यू बोल दिया ये टीवी चैनल पे नहीं जाएंगे, इनको बांट दो, टीवी चैनलों को बांट दिया। फिर अब जातियों में कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, जाति जनगणना कराओ, हम मना नहीं करते। ये कहना क्या मतलब है कि भैया यहाँ पिछड़े कितने हो तुम, पत्रकार कितने? अब ये पत्रकारों में बांट दिया। ये बांटने का काम हर तरीके से कांग्रेस कर रही है। बात को समझने की कोशिश करो, जनता पागल नहीं है, घोटाले है ना। कल आप एक बात बताओ, चंडीगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के मुंह पर थप्पड़ लगा, मैं कहता हूँ लगा, बीजेपी ने गलत किया, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बीजेपी ने गलत किया, सबके मुंह पे थप्पड़ लगा बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फिर तुम्हारी बीजेपी की तरफ कैसे हो गया भाई? पीछे कईयों को बेल दी, फिर यू कहते ये तो जज बिक गए, इनकी तरफ फैसला नहीं आए तो कहते जज बिक गए। अब ये जितने ये बैठे हुए हैं ये सारे कांग्रेस के सपोर्ट में बैठे हुए हैं। केवल आप गुड़गांव बॉर्डर देख लो, फरजाबाद, भादरगढ़, यूपी कोई बॉर्डर देख लो, सारे खुले हैं। अभी डालो मैप पे, नक्शे पे, सब खुले हैं। पंजाब का ही बंद है, पंजाब में 80% अनाज MSP पे ऑलरेडी खरीदा जा रहा है कई सालों से, फिर MSP क्यों मांग रहे हैं? तुमको खेती से दिक्कत है, खेती मत करो, यूपी हरियाणा सारे कर लेंगे इंडिया वाले, MP का गेहूं खा लेंगे, राजस्थान का खा लेंगे चावल, बंगाल का खा लेंगे, तुमको दिक्कत क्या है? पंजाब वालों को दिक्कत है मोदी का ग्राफ नीचे करना है, इनको किसी चीज से चिंता नहीं है। इनको क्या है, आपने देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चीन का झंडा, चीन का झंडा ले लेके ये चीन समर्थक भारत को खोखला करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। इन किसान आंदोलनकारियों के पास चीन का झंडा है। आप ये बता दो, आप ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? खेती वो मजबूरी में कर रहे हैं क्या? आधा पंजाब तो विदेशों में है, माल कमा रहा है, 4-4 लाख एक एक ट्रॉली पर लगा रखा उनने, कह रहे हम गरीब है। उनकी जैकेटें देखो, उनके कपड़े देखो, उनका खाना देखो, बात क्या करते हो? नहीं, लेकिन वो कहते रहे किसान अमीर नहीं हो सकता, क्या उनका तर्क ये होता? अरे भाई साहब अमीर है तो MSP क्यों चाहिए? हम तो कह रहे हैं अमीर हो तुम, MSP क्यों चाहिए? अमीर हो गए, अरे MSP पे 80% उनका माल बिक रहा है सालों से, पहले से बोलो भाई। मैं अंकल जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। अंकल जी कह रहे हैं MSP पे खरीद हो रही है, अगर पहले से MSP पे खरीद हो रही है तो किसान आंदोलन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, अगर पंजाब के लोगों से आपका विरोध हो सकता है, लेकिन आप हरियाणा के लोगों का क्या विरोध है? हरियाणा के लोगों की क्या गलती है? क्या हरियाणा में लोग आपको करोड़पति अरबपति दिखाई दिए? हरियाणा में हालात देखो किसान की क्या है, पंजाब में भी हालात देखो। अगर ये आप गाड़ी घोड़े बंगले की बात करते हो पंजाब और हरियाणा के लोगों के ऊपर, अरे भैया अगर वो विदेशों में नौकरी करते हैं तो गुना थोड़ी है। आप ये बताइए कोई चोरी कर रहे हैं क्या? वो सुनिए सर, हरियाणा पंजाब के लोगों से आपको दिक्कत है क्या है? अब मैं हरियाणा का हूँ यार, क्या बात कर रहे हो तुम? तो बोल रहे हैं सर, सामने सुना आपने। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है। हरियाणा का, रोहतक का, सोनीपत का, भादरगढ़ का, गुड़गांव का, कहीं का किसान नहीं आया, सारे बॉर्डर खुले पड़े, क्या बात करो यार तुम? सुन लिया सर,
ये मनोहर लाल खट्टर से डरे हुए हैं, नहीं तो अंकल जी भी आ जाती। मनोहर लाल खट्टर से डरे हुए हैं सर आप लोग? यार हमारी तो बड़ी है मनोहर लाल खट्टर से, क्या बात करो, कौन किससे डरा हुआ है? मनोहर लाल खट्टर क्या सुन रहा है? मनोहर खट्टर से ये लोगों के पास जब जवाब नहीं होता ना तो कह देते हैं गोदी मीडिया जवाब नहीं है, मनोहर लाल खट्टर जवाब नहीं है, बीजेपी ऐसी जवाब, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं तर्क की बात करता हूँ, तर्क की, तर्क नहीं होगा मैं बात नहीं करूंगा। MSP पंजाब का 80% अनाज MSP पे बिकता है, यही खड़ा हूँ, 25,000 रुपए इनाम दे दूंगा, अगर नहीं हो तो अभी खोल के दिखाओ इसको की सरकारी पंजाब गवर्नमेंट की निकालो, पंजाब सरकार की खरीद है 80% पे। मैं अंकल जी से एक बात पूछ रहा हूँ, सार में किस तरह से घर में बढ़के किसानों पे लाठी डंडे आंसू गैस गोले छोड़े गए, क्या वो हरियाणा प्रदेश का हिस्सा नहीं है सार? सर किसानों पे लाठी डंडे और आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, वीडियो सुनो, अरे वीडियो सुनो, वीडियो दिखाऊं, पुलिस वालों को ट्रॉली के नीचे कुचल दिया, उनको प्रसाद खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे कि कुचलो, जूते पड़ने चाहिए और देश को बर्बाद करने के चक्कर में आ रहा है। कौन किसान है? कहा है पूरा भारत का किसान? कहा है? किसने कहा पंजाब वालों का तुम खेती करो? मत करो, हम दूसरे पूरे इंडिया वाले के खेती कर रहे हैं हम, मैं किसान हूँ हरियाणा का, क्या बात करे यार तू? MSP पूरे पंजाब, अच्छा एक बात बताओ, पंजाब में 80% अनाज MSP पे खरीदा जाता है, बिहार में 2%, उत्तर प्रदेश में 12%, 16%, मध्य प्रदेश में, उन्हें क्या कसूर करा है? क्या बात करते हो, बराबरी की बात करो, हमने आज तक सिखों से बराबरी की बात करी है भाई, समझा है? 2% सिखों का आर्मी में 15% है, आज तक हमने कभी विरोध नहीं किया, किस किस की बातों को खुलवाओगे तुम? सर जवाब, मैं अंकल जी का सारे सवाल सुन रहा हूँ, सुन तो रहा हूँ, ये डिबेट हो रही है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अंकल जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, किसानों का ऐसा कसूर क्या है प्रधानमंत्री 3 काले कानून वापस लेके और माफी मांग के फिर बोलता है मैं MSP पर विचार करूंगा? अगर किसान गलत होते तो 3 बार चंडीगढ़ मीटिंग करने के लिए क्यों गए? सर सरकार झुक जा रही है और माफी मांग रही है और मीटिंग कर रही है, ऊपर से आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। सर ऐसा है, सरकार अपने देशवासियों को अपना मानते हुए मीटिंग कर रही है, वो MSP की बात कर रहे हैं ना, यूपी का आदमी आया नहीं आया, मध्य प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, बंगाल का, कहीं का आया नहीं आया, उनको तो MSP मिल रहा है यार, MSP मिल रहा है पंजाब वालों को, वो क्यों आए हुए हैं? उनको केवल भारत में पंगा करना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाइना वाले भारत में गलत काम करना चाहते हैं। इन लोगों ने 10 बार यूं कहा है, मोदी का ग्राफ पड़ गया, वीडियो दिखा दूं, गिराना है मोदी का ग्राफ, गिराना है या तुमको अपनी मांगे? यार मांगे बताओ, 200 संगठन अब आ गए, 300 संगठन पहले आ गए, जो ये 300 संगठन पहले आए थे ना, इनने पंजाब से इलेक्शन लड़ा, 84 में से 83 की जमानत जब्त हुई, कौन है इनके साथ? किसान किसान वोट देता तो सुपड़ा साफ कर देते, ये 84 में से 83 लोगों की जमानत जब्त होगी भाई, क्या बात करते हो आप, इनके साथ है कौन? आरोप लगता है सर कि विपक्ष द्वारा चलाया जा रहा गिरोह है, आरोप सही? सर मैं कह रहा हूँ विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है मेरे को नहीं पता, पर हाँ कोई कहानी तो जरूर है, ये क्यों आ रहे हैं, इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बताओ किसानों, तुमको दिक्कत क्या है? ये यूं कहते हैं ना, उद्योगपतियों को 13 लाख करोड़ माफ कर दिया, अपने मुंह पे जूते खाऊंगा सब पब्लिक से, 1 लाख करोड़ भी माफ हो गया हो तो बात क्या करते? मेरा केस है हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ, तारीख अगले महीने, सारा झूठ है। अब राहुल गांधी कहता है कि 3 लाख करोड़ माफ कर दिए, 13 लाख नहीं बोलता, मेरे नोटिस के बाद, मेरा हाई कोर्ट का नोटिस गया है उसके बाद बोलना बंद कर दिया। क्या कहता है? अडानी की जेब में सारा पैसा जाता है, तुम कमीज खरीदते हो अडानी की जेब में जाता है, हमारे उद्योगपतियों को ये बर्बाद करना चाहते हैं। हर दुनिया का हर देश उद्योगपतियों का मान करता है, सरकार उद्योगपति के साथ खड़ी होती है, ये उद्योग तुम बात क्या करते हो? अरे गाली काट दिया यार, ये उद्योगपति की ऐसी तैसी करने लग रहे हैं, इनको उद्योगपति पसंद नहीं है, जो उद्योगपति टैक्स दे रहा है लोगों को, शेयर मार्केट में पैसा दे रहा है, जो उद्योगपति हर कुछ चीज दे रहा है उसको ये बर्बाद करना चाहते हैं। उद्योगपति ने गलत कर दिया, किस बैंक का पैसा खा गया अडानी, किस बैंक का खा गया? अगर अडानी ने कोई भी मार्केट में चीज ठेके पे ली है ना, बोली में ली है, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट खड़ा, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ वाले केस में थप्पड़ मारा बीजेपी के, जाओ तुम नहीं जाते, ये एक भी केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, अडानी यू हमारी यू, अडानी को ये छाती पे रखे घूम रहे हैं राजस्थान में और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में, बात क्या करते हो? खुद करे तब सही है, और वैसे अडानी कराते, अडानी हमारे देश की शान है,
अडानी हमारे देश की शान है। पूछो। मैं अंकल जी से एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। अंकल जी, जब 2014 में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जब किसान प्रधानमंत्री के साथ नहीं थे क्या? थे ना? थे। और किसानों ने विरोध किया कांग्रेस का, कांग्रेस को भगाया ना? हाँ, भगाया। फिर मोदी का साथ दिया। हाँ, दिया। इसमें कोई दो राय नहीं? कोई दो राय नहीं। नंबर दो बात आ जाओ, देश का काला धन लाने के लिए मोदी जी ने बोला था। हाँ, काला धन लाएंगे। हाँ, नोटबंदी हुई, नहीं आया काला धन? नहीं आया। हम कह रहे नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। जो आदमी 2000 का नोट काट सकता है, वो 2000 के नोट पे विश्वास नहीं हो सकता अपने आदमी नोट पे, तो वो काला धन कहाँ गया वो बताओ मुझे पहले। सुनो सुनो जी, पहले तो इन आदमी को ये नहीं पता 2000 का नोट आज तक बंद नहीं हुआ। बंद हुआ है 2000 का नोट, बंद हुआ है। नोटिफिकेशन दिखा दो आप किसी भी। नहीं, माइक मत पकड़ो, आप मेरी बात सुनो। 2000 का नोट मार्केट में आया, 3,00,000 करोड़ रुपया मार्केट में सर्कुलेट हुआ, धंधा मिला लोगों को। मोदी पागल नहीं है? आप ये बता दो 2000 का नोट इस तारीख से नहीं चलेगा, मान्य नहीं है, ये खबर दिखा दो मेरे को। मेरे को 2000 का नोट क्या करा सरकार ने, देखा लोगों ने घरों में दबा लिया, अब इसको चेंज करो। मेरे पास भी पड़े थे 2.5-3 लाख रुपए, मैंने भी शॉपिंग फाड़ दी, शॉपिंग कर ली, लोगों को मिल गया माल, रोटेशन घूम गई, बाजार में पैसा आ गया, खत्म बात। आप आज चलो मेरे साथ 2000 का नोट लेके सुबह ले आओ 2 लाख के, मैं बैंक में बदलवाता हूँ। क्या बात कर दी आपने? कहीं नहीं है? ये वो लोग हैं जो मणिपुर मणिपुर चिल्लाने वाले, अपना अपना पहचान पत्र, ये वो लोग हैं जो मणिपुर मणिपुर चिल्लाते थे, वो संदेश खाली थे, खामोश है। 20,000 तक तो कोई पहचान पत्र भी नहीं मांग रहे, 20,000 तक तो भाई साहब कुछ मांग भी नहीं रहे, प्रूफ ऐसा है, ऐसा है। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो बंद हो गया, मैं अभी आरबीआई चलो मैं, बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। मेरी बात सुनो, अच्छा एक सवाल है सर आपसे, क्या ये किसान आंदोलन 2024 चुनाव पर असर करेगा? सर मैं आपसे एक बात बताता हूँ, किसान आंदोलन वाले बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। हम मोदी को मार देंगे, मोदी 2-4 दिन में मर जाएगा, ये मोदी की हवा निकाल देंगे, हम यूं कर देंगे। ये क्या है? आप देश के साथ चलो ना, देश के साथ चलो। ये भाई साहब है, ये है, इनकी सोच कांग्रेस वाली है। मैं ऐसी तैसी नहीं करता मोदी की और उसकी, जो ठीक लगेगा उसकी बात करूंगा। राहुल, मैं किसी टाइम में राहुल के बाप को वोट दी थी, ठीक है, राजीव गांधी को वोट दी थी, वो बना था कई सौ आए थे। उसके बाद जब हमने देखा कि इनने हर तरीके से मुसलमान मुसलमान करके हिंदुओं का जब अपमान करना शुरू करा, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, तो हिंदू संगठित हुआ है। आज आपको बता देता हूँ, ये यूं कहते हैं ना, बेरोजगारी की बात करो और महंगाई, महंगाई दोनों सुन लो। महंगाई किसकी होती है? प्याज टमाटर अडानी अंबानी का या मेरे किसान का? मैं किसान हूँ, प्याज टमाटर किसान का महंगा बिकता है, इनको दर्द आता है। अगर टमाटर प्याज 2-2, 5-5 रुपए बिकता है, किसान फेंकता है तो कहते हैं किसान मर गया। और जब किसान 80 रुपए 100 रुपए बेचता है, आज लहसुन 400 है, अडानी अंबानी का है, भाई किसका है? किसान का है ना, किसान कमा रहा है ना, इनको क्या दर्द है भाई? साल में, 2 साल में 4 साल में एक बार किसान कमा लिया, इनको दिक्कत आ जाती है। ये हर तरीके से किसान विरोधी, ये इनको केवल नफरत फैलानी है कांग्रेस वालों को। भाई तू किस जात का है, तू पत्रकार किस जात के हो, जज किस जात के हैं, तुम्हारे अंदर ये पत्रकारों को बांट दो, पहले हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुसलमान को बांट दिया कांग्रेस ने, बीजेपी के टाइम का कुछ नहीं है। जो भी ये हुआ है ना कश्मीर पश्मीर जितना भी, अरे ये बंगाल और इसमें हो रहा है, बंगाल में जो अब हो रहा है इसके विरोध में, महिलाओं के विरोध, जो बलात्कार हो रहा है संदेश खाली में, क्या राहुल ने कुछ बोला, प्रियंका ने कुछ बोला? अभी तक तो नहीं आया, फिर कब आएगा भाई? साजा से 100 FIR दर्ज हुई है, कई सौ महिलाओं का मामला है, मेरा अंकल जी से एक सवाल है। अंकल जी भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से। अंकल जी आप जमींदार हो सकते हैं, जो गांव के जो मजदूर आदमी है जो दामों पर जमीन लेते हैं, उनका क्या कसूर है? उनको ना तो 6,000 रुपये मोदी की सकीमाले मिलती, मजदूर आदमी सम्मान ना मिलते, और वो 50,000 रुपये सालाना कीला लेता है मजदूर, जो गांव का जोतने वाला होता है, किसान नहीं बोता चल मान ले, तो मजदूर की हत्या क्यों हो रही है? तो मजदूर पे भी कोई कानून लाए ना मोदी जी। आप मेरे से एक बात बताओ, कितने मजदूरों को आपने सुसाइड करते देखा जो बटाई वाले हैं? मैं बता देता हूं। सुनो सुन लो, बता के दोगे भाई? जो मजदूर बटाई पे लेता है ना सुख पाता है, ये यूं कहते हैं उसको 6,000 नहीं मिलता, 6,000 मिलते उस किसान को जिसके नाम जमीन है, मजदूर
बटाई पे ले रहा है, सब्जी लगाता है और बढ़िया कमाता है भाई। नाम से जमीन होता है उसको पैसे मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, मजदूर को नहीं मिलेगा, ये इनको भी पता है, लेकिन इनने बात गलत पेश कर दी है। किसान यूनियन वाले जो है ना, किसान यूनियन के जो आका बैठे हैं वो इनको करने नहीं देते। वो सोचते अगर करेंगे तो भाई साहब हमारे पास लोन लेने कौन आएगा, देते नहीं। ये वहाँ के आरती और दलाल है ना जो अनाज मंडियों के, वो करने नहीं देते इनको। किसानों के साथ मजदूरों की बिल्कुल गर्दन ऊपर जा रही है। मजदूर का जो शोषण किया ना हरियाणा प्रदेश में, 50,000 का अंकल जी के बोल तो रहा मैं, 50,000 का मजदूर किला लेगा, 50,000 तो अंकल जी के खड़े हो गए साल के, और दो फसल लेगा किसान, उस पर 3 दुगुना लागत लगाएगा मजदूरी है, और 2250 का रेट क्यों का होगा, 40 बने क्यों होंगे, बाकी वो मजदूर घर से देगा पैसे। ऐसा है जी, ये तो इनने बेरा नहीं है कि बटाई वाले गेहूं चावल नहीं लगाता, सब्जी लगाता है 80% 90% वो सब्जी लगाता है, सब्जी की 4 फसल लेता है। इन्हें यूं नहीं पता 2 फसल होती है कि 4 होती है, ये 2 फसल बोल रहे हैं, 3 तो दलहन तिलहन गेहूं वगैरह, 3 फसल तो आम होती हैं, सब्जी की 4 फसल होती हैं, और जिस क्या बात कर रहे यार, डेढ़ डेढ़ दो दो महीने की फसल है गोभी की, दो फसल होती है गेहूं चावल साल की भाई। बताई वाला गेहूं चावल नहीं लगाता, इन्हें बेरा ही नहीं है, बताई वाला सब्जी लगाता है, बताई लगाएगा, अगर सब्जी भी लगाएगा तो 2 ही फसल लेगा, 4 फसल है सब्जी की, गोभी 1.5 महीने की फसल है यार, 1.5 महीने में सब्जी तैयार होगी, बाकी क्या करेगा सारा सारा देश, सारा मजदूर गोभी अब होगा और कोई सब्जी है, गोभी मूली गाजर सारी 1.5 महीने की है सब्जी जो बटाई पे किसान लेता। अच्छा मेरे से एक बात बताओ, आपने बटाई पे खेत क्यों नहीं लिए, आपकी मर्जी नहीं, उसका किसने गला दबाया कि तू बटाई पे ले, किसने तो गला 50,000 देता पहले किसान को, सुना किसान को पहले 50,000 देता, ये पकड़ उधार नहीं होती, किसान पहले जिसके पास 50,000 देने को है, 50,000 खाद बीज के लिए है इनके अनुसार, वो गरीब कहां से हो गया, वो गरीब हो गया, वो मजदूर आदमी, वो मजदूर आदमी एक एक दाना एक एक पाई पाई का आंधी मुई बारिश में वो पैसा इकट्ठा करके, और आप लोगों को जब देता है, और जब ओला गरजती बारिश मौसम खराब होता है कीटनाशक दवाइयों में को कीड़ा लग जाता है, तो आपका तो खराब 50,000 हो गया, उस मजदूर का क्या फायदा हो गया बताइए, मजदूर की तो ना तो मोदी ने कोई सूद ली, ना किसानों ने सूद ली, खट्टर सरकार ऐसा है साहब, जिस आदमी ने आरोप लगाने हैं ना वो कुछ भी आरोप लगाएगा, मजदूर ने अगर घाटा खाया एक बार दो बार चार बार पांचवी बार लेगा क्या वो बटाई पे, नहीं लेगा ना। अरे तो मजदूर हर साल कमाता है भाई, नहीं कमाता, क्या बात करते हो आप, देखो मेरे बात हो छोटी सी बात है, एक ऑटो ले लिया आप ये काम कर रहे हो, आपका कोई खर्चा नहीं निकलेगा, जेब से 20-30 हजार लगेगा, आप 4 महीने 5 महीने बाद छोड़ दोगे या पूरी उम्र घाटा खाए जाओगे, तो आप बात को समझो, तर्क वाली कोई समझदारी वाली बात यही है, मजदूर मर गए मजदूर के लिए क्या कर दिया, फलाने के लिए क्या कर दिया, आप मजदूर लाख रुपए जेब में लेके मजदूर है, आप मजदूर क्यों कहते हो उसको, वो बिजनेस मैन है, उसने आपकी जमीन किराए पे ले ली, उसकी इतनी बुक्कत है रहे तो लाख रुपए दे के किराए पे ले रहा है जमीन, बात करते हो आप, किसी चीज को नफरत मत करो भाई, देश के साथ रहो, देश को आगे बढ़ाने की बात करो। आखिरी सवाल, चुनाव होने वाला वापसी तय है या बदलाव होगा लोकसभा में? भाई देखो मैं भगवान नहीं हूँ, टीवी चैनल जितने भी बता रहे हैं मोदी की स्पष्ट जीत बता रहे हैं, काम के अनुसार सुन लो, 74 एयरपोर्ट थे 14 से पहले 74 मोदी ने बना दिए, सुन लेना 82,000 किलोमीटर हाईवे था 50,000 मोदी ने बना दिया, काम हो रहे हैं, कांग्रेस ने सिर्फ आज तक 2 एम्स बनाए, उसके बाद 6 एम्स बनाए वाजपेयी सरकार ने और 12 एम्स बनाए मोदी ने, जो काम कर रहे हैं 3-4 और बनने बाकी हैं, IIT ले लो कॉलेज ले लो, यही जो कहते हैं ना 9 से 10 दिन के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोली है, हफ्ता बोलते हैं ना मोदी जी और कोई, तो वो 1 साल पहले की थी बात, 1 साल पहले की थी, हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटी खुली थी, आज लगाओगे 10 दिन के अंदर एक यूनिवर्सिटी खुली है, 342 यूनिवर्सिटी खुली है, उसको आप 8 साल में गुणा भाग करके लगा लो 9 दिन 10 दिन बैठता है, हर 10 दिन में एक यूनिवर्सिटी खुली है। कुछ पूछ रहे हैं सरकार, अंकल जी कह रहे हैं एम्स को ले, इतने सारे एम्स को ले,
कॉलेजें खोले, IIT कॉलेजें खोले, अंकल जी बता रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अंकल जी को, पहली बात तो अंकल जी, अरे अरे अंकल जी, अरे अंकल जी, आप एम्स की बात कर रहे हो, मुझे आप बताओ जितने भी एम्स खोले हैं मोदी जी ने, उनमें दवाइयाँ क्या मिलती है, टेस्ट किसके होते हैं? सारे लोग तो ऑल इंडिया इलाज कराने आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया बनाया। एक एम्स हॉस्पिटल की तो मैंने वो बात बताई है जो मोदी के सारे हॉस्पिटलों में भारी है। रही दूसरी बात, IIT कॉलेज हब जो एजुकेशन हब, अगर इतने हब एजुकेशन बनाए होते मोदी जी ने तो बाहर बच्चे पढ़ने जाते, या तो सारे ही लोग दिल्ली आते। ये भी कांग्रेस की देन है। क्या कह रहे हैं? दिल्ली आ रहे हैं पढ़ने और विदेश जा रहे हैं पढ़ने, कोई पढ़ ही नहीं रहा अपने अपने शहर क्षेत्र में। गुड़गांव में 50 यूनिवर्सिटी है, क्या बात करते हो? नोएडा में दुनिया जान की यूनिवर्सिटी है, तुम बात क्या करते हो यार? नोएडा यूनिवर्सिटी, सोनीपत ले लो, जयपुर ले लो, सब जगह भरी पड़ी यूनिवर्सिटी यार, कौन दिल्ली आ रहा है? कितने जन दिल्ली आ गए यार? देखो झूठ बोल के भड़का के मत करो काम। अरे भाई तुम नोएडा में यूनिवर्सिटी नहीं है? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, गुड़गांव में रही यूनिवर्सिटी है, फरीदाबाद में रही, जयपुर में रही, लखनऊ में रही, कहाँ नहीं है यार? बनाई किसने थी? वो मोदी ने बना दी अंकल जी से। मोदी के टाइम में अभी बनी है, अभी अभी की भाई। ऐसा सुनो, मैं बता, मैं आपसे बता रहा हूँ, 342 यूनिवर्सिटी मोदी के टाइम में बनी, 342 यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज अलग, मेडिकल कॉलेज की 50,000-51,000 सीट ज्यादा पड़ी है, बढ़ाई है। और ये देख लो, ये मैंने खोल लिया है, सरकार की साइट है, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी, मंगलागिरी, ये नरेंद्र मोदी के टाइम के अभी हैं। और ये टोटल एम्स कितने हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ सरकार की साइट में। न्यूएस्ट एम्स इन इंडिया, जम्मू, राजकोट, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, सबकी लिस्ट है यार, आप डालो वेस्ट बंगाल। अब ये यूँ कह रहे हैं कितने में दवाई है, फिर यूँ कहेंगे डॉक्टर की तनख्वाह कितनी है, फिर यूँ कहेंगे कितने मरीज आदमी आए, कितने औरत। फालतू की बात है भाई, फालतू की बातें हैं, बात को घुमाई, इन्हें बात को घुमाना है। ये वो है जो मणिपुर चिल्ला आ गए थे ना, आखिरी साल वापसी तय है या बदलाव? वापसी भाई, वापसी तो हमारे हिसाब से वापसी है, काम कर रही है मोदी सरकार काम के अनुसार। ये यूँ कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम करते, और मंदिरों से 3,00,000 करोड़ रुपए साल का सरकार को मिलता है, 3,00,000 करोड़ रुपया सरकार को मिलता है। पंजाब सरकार 3,00,000 करोड़ साल का बजट है, एक पंजाब स्टेट हम हिंदू अपने बल पे चला सकते हैं। और कोई यूं कहता है ना कि मंदिरों से क्या मिलता है, मंदिरों से सब 3,00,000 करोड़ रुपए मिलता है हमारा, जो मंदिर भारत सरकार के अंडर है, राज्य सरकारों के अंडर है, तमिलनाडु के हर स्टेट के अंडर है। वो पैसा वो सरकारें ले जाती हैं, और वो पैसा मुसलमान पे भी लगता है, चर्च पे भी लगता है, हिंदू पे भी लगता है, मुस्लिम पे भी लगता है, हॉस्पिटल में और स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह लगता है भाई वो पैसा। क्यों समझने की कोशिश नहीं करते? वापसी मतलब